नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीआईटी एनसीईआरटी के लाइव फोन इन कार्यक्रम में। इस वक्त आप हमें देख रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर 9 के माध्यम से। कक्षा 9 के सभी छात्र हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और अपने सवाल भी हम तक पहुंचा सकते हैं। इस सोशल साइंस के कार्यक्रम में आज जिस टॉपिक पे हम बातचीत करने वाले हैं वो है पॉवर्टी पार्ट 1। पॉवर्टी, ये वर्ड आप सभी ने सुना होगा। पॉवर्टी यानी कि गरीबी। जो लोग एक सीमित रेखा से नीचे रहते हैं उन्हें कहते हैं पीपल हु आर लिविंग अंडर द पॉवर्टी लाइन। तो पॉवर्टी से आप लोग क्या समझते हैं, इस चैप्टर में क्या सिखाया गया है पॉवर्टी से जुड़ा हुआ, इससे आप हम तक पहुंचा सकते हैं। और पॉवर्टी से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो आपने सुने होंगे, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट और अनएजुकेशन, एजुकेशन और लिटरेसी, इलिटरेसी, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। पर आज हम क्या सीखने वाले हैं ये हमें हमारे मेहमान बताएंगे। मैं हूँ तन्वी खुराना और इस वक्त आप हमें देख रहे हैं हमारे ई विद्या चैनल नंबर 9 पर। और साथ ही साथ अगर आप अपने सवाल हम तक पहुँचाना चाहें तो उसका नंबर होगा 8800440559। इस नंबर पर फ़ोन कीजिए और अगर ईमेल करना चाहें तो ईमेल आईडी है dth.class9@cit.nic.in। चलिए आपको हमारे मेहमान से मिलवाते हैं। हमारे साथ है श्री सुशील कुमार जी, स्वागत है सर आपका। जी मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। सर हैं पीजीटी इन हिस्ट्री फ्रॉम केवी असनसोल वेस्ट बंगाल। और सर से हम बहुत सारे सवाल भी पूछेंगे आज के हमारे इस टॉपिक से जुड़े हुए। पर उससे पहले हम आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट देना चाहेंगे जो कि है इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी से जुड़ी हुई। वी एक्सट्रीमली प्राउड दैट इंडिया अज्यूम्ड G20 प्रेसिडेंसी एंड विल कन्वीन द G20 लीडर्स समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री दिस ईयर। A nation deeply committed to democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play an important role by finding the pragmatic global solutions for the well-being of all. And in doing so, despite all, manifest the true spirit of Vasudev Kutumbakam, or should I say the world is one family. So this is one important announcement which I think it should reach you all. Let's begin this program and let's ask sir, aaj hum yahan kya seekhne wale hain aaj ke hamare topic poverty part 1 ke under. Ji madam, sabse pehle PM Vidya channel dekhne wale sabhi darshakon ko bahut bahut namaskar aur bahut bahut aashirwad. Bachchon, poverty A very burning question in the 21st century. हम जानते हैं 21st century में हम विकास के, development के नए-नए aspects करते जा रहे हैं। लेकिन इस development के साथ-साथ एक बहुत बड़ी समस्या दुनिया भर में बहुत तेजी से फैलती जा रही है, या बहुत तेजी से दिख रही है लोगों के सामने। आइए सबसे पहले हम जानते हैं आज के इस session में हम कौन कौन से टॉपिक पे चर्चा करें। स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन, वी विल सी द टू केस स्टडी ऑफ राम शरण एंड लखा सिंह। इस केस स्टडी में हम देखेंगे राम शरण और लखा सिंह कौन है, किन परिस्थितियों में ये जी रहे हैं एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय दिस पर्सन ड्यू टू पॉवर्टी। उसके बाद हम पॉवर्टी का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे और उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचानने की कोशिश करें। देन आफ्टर वी विल डिस्कस द डिफरेंट इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी की पहचान कैसे होगी, क्या इसके लिए पैमाने गढ़े गए हैं सोशल जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके द्वारा, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। एंड देन पॉवर्टी डिसाइड कैसे हो, पॉवर्टी मेजरमेंट कैसे किया जाता है। दुनिया भर में पॉवर्टी को मेजरमेंट करने के लिए एक बहुत ही जेन्युइन फॉर्मूला है पॉवर्टी लाइन। तो ये पॉवर्टी लाइन कैसे डिसाइडेड होती है, क्या पॉवर्टी लाइन दुनिया भर के सभी देशों में एक तरीके से मेजर किया जाता है या उसका पैमाना अलग है, इस बात पे भी हम डिस्कशन करेंगे। सो देन मैम शुड बी स्टार्ट। यस सर, एब्सोल्युटली जी, थैंक यू। बच्चों, before going ahead I will show you some pictures and then after we'll go ahead. देखिए आप पहला पिक्चर देख रहे हैं जिसमें एक झुग्गी बस्ती का, एक सलम बस्ती का पिक्चर है जिसमें
लोगों के पास रहने के लिए पर्याप्त शेल्टर आपको दिखाई नहीं पड़ता। कच्चा घर है जहां धूप में गर्मी की भी समस्या का सामना करना पड़ रहा होगा, बरसात के दिनों में पानी की समस्या का भी सामना करना। देन आप देख रहे हैं एक बच्चा है, जिस उम्र में बच्चे को स्कूल जाना चाहिए, डिफरेंट फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, वो बच्चा मजबूर होकर सड़कों के किनारे कूड़े बीनते हुए नजर आ रहा है। इन द थर्ड पिक्चर यू कैन सी बच्चे हैं, इन्हें पहनने के लिए प्रॉपर क्लोथ्स भी नहीं है। कुछ बच्चों को देख के आपको प्रतीत हो रहा होगा कि इन्हें प्रॉपर न्यूट्रियस फूड भी नहीं मिल रहा, इन्हें पर्याप्त भोजन भी नहीं मिल पाता। जो पिक्चर्स हमने देखा, व्हाट वी फाउंड आफ्टर लुकिंग दिस पिक्चर्स, मेनी पीपल इन आवर सराउंडिंग डोंट हैव प्रॉपर शेल्टर टू लिव इन, इनफ फूड टू टू स्क्वायर मील, एंड दे आर फोर्स्ड टू लिव इन अनहेजरेड। आप बच्चों अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द, अपने सराउंडिंग्स में देखिए, ऐसे बहुत तेरे लोग नजर आएंगे जिनके पास रहने के लिए पक्का घर नहीं होता, उन्हें खाने के लिए पर्याप्त भोजन भी नहीं मिल पाता, साथ ही साथ वो अनहाइजेनिक कंडीशंस में, ऐसे जगह पे, बदबूदार जगह पे जहां टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, जहां जो माहौल है एयर ही नहीं है, बहुत मुश्किल वाले हालात में वो जीने के लिए विवश है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये लोग हैं कौन, व्हाई दे हैव टू लिव इन सच अ कंडीशन, क्यों ये मजबूर हैं ऐसे हालात में रहने, और इस हालात को किस नाम से जाना जाता है। बच्चों इसके साथ साथ हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ये हालात दुनिया भर के देशों की, दुनिया के सभी प्रदेशों में एक जैसे हैं। Is this condition prevail worldwide evenly, or some part of the world are worse affected? क्या सभी प्रदेशों में हालात एक जैसे हैं, या कुछ क्षेत्र बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हैं, और कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां लोग काफी हद तक सुख सुविधाओं से संपन्न हैं, काफी हद तक comfortable life गुजार रहे हैं। इन मुद्दों पे भी हम चर्चा करेंगे। इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें आज के सेशन में मिलेगा। We'll try to find out the answer of this question. इन पिक्चर्स को देखने के बाद दो केस स्टडी भी हम आपको समझाएंगे, दिखाएंगे कि क्या हालात हैं इन लोगों के। उन पिक्चर्स को देखने के बाद और इन दोनों केस स्टडी को समझने के बाद पॉवर्टी से रिलेटेड बहुत सारे आइडियाज आपको अपने आप ऑटोमेटिकली यू विल गेट द आंसर। सो लेट स्टार्ट विद द स्टोरी ऑफ रामसर। रामसरन इज अ डेली वेज वर्कर, डेली वेज लेबरर इन ए वीट फ्लोर मिल नियर रांची इन झारखंड। झारखंड की रांची में एक दैनिक मजदूर है जो दिन भर कड़ा परिश्रम करता है और लगभग 8 से 9 हजार रुपया महीने का वो अर्न कर लेता है, और इसे जो इनकम मिलता है वो भी रेगुलर इनकम नहीं है, कभी कभार उसमें भी कमी आ जाती है। इस 9000 के महीने में अपने परिवार के सभी सदस्यों का पेट पालने के साथ, अपने वाइफ बच्चों के साथ साथ उसे कुछ पैसे अपने ओल्ड पेरेंट्स को भी भेजना पड़ता है जो रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट, रांची से कुछ दूर स्थित है रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट, वहां उसके पास में एक गांव में ये ओल्ड पेरेंट्स रहते हैं, उनके गुजारे के लिए भी उसे कुछ पैसे। चूंकि इनकी इनकम बहुत कम है, इसलिए रामसरन को रांची के एक चुग्गी बस्ती में, एक सलम बस्ती में जो भीड़ भड़ाके से भरी हुई है, जो बहुत ही क्राउडेड बस्ती है, मुश्किल से एक रूम का मकान ले रखा है इन्होंने किराए पे, वो भी शहर से बहुत बाहर है। चूंकि इन पैसों में इनका गुजारा नहीं हो सकता, इसीलिए उनकी पत्नी शांता देवी जो है वो भी कुछ घरों में पार्ट टाइम मेड का काम करती है, और इस तरीके से कुछ रुपए वो भी
अर्न कर लेती हैं लगभग 2 से 3 हजार रुपए का महीने का, वो भी अर्न कर लेती है। उनका बड़ा बेटा जो है वो भी एक टी शॉप में एक हेल्पर के रूप में काम कर रहा है और ऑलमोस्ट 2-3 थाउजेंड रुपीज पर मंथ वो भी अर्न कर रहे हैं। इनकी एक बड़ी बेटी है 10 साल की, वो घर में रहती है और घर में उनका एक छोटा भाई और है, उस भाई का वो ख्याल रखती है घर में बैठ। अब परिवार के हालात कुछ ऐसे हैं कि नन ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ राम शरण इज एबल टू गो टू स्कूल फॉर स्टडी इवन they don't have enough money to be well dressed up or get nutritious food of 2 square times. ना तो ये अच्छे कपड़े पहन पाते हैं, साथ ही साथ इन्हें 2 टाइम का nutritious food भी नहीं मिल पाता है। आपने पहले ही देखा वन रूम, वो भी रेंटेड रूम है जहाँ पे बहुत मुश्किल से 5 सदस्यों का ये परिवार रहता है और जहाँ पे इनका घर है उसका कंडीशन भी काफी अनहाइजीनिक है, इन्हें अच्छी हेल्थ फैसिलिटी भी नहीं मिल पाती। आप देख सकते हैं पिक्चर भी दे रखा है, उस पिक्चर में किस तरीके से रामशरण एक मीट फ्लोर में काम कर रहा है, इनका जो बेटा है वो चाय की दुकान में काम कर रहा है, वहां भी जो है पार्ट टाइम मेट के रूप में डिफरेंट घरों में जो है पार्ट टाइम मेट का काम कर रहे हैं और जो उनकी बेटी है वो घर में जो बच्चे हैं उनका देखभाल कर रही है, वो भी पढ़ने के लिए नहीं जा पा रहे। ऐसी ही एक स्टोरी है लाखा सिंह का। लाखा सिंह मूलतः एक कृषक मजदूर है who lives in a small village near Meerut in उत्तर प्रदेश। चूंकि ये लैंडलेस लेबरर है, उनके पास अपनी जमीन नहीं है, तो ये अपने गुजारा करने के लिए जो बड़े फार्मर्स हैं उनके यहाँ काम करते हैं और ये जो काम है दिन भर काम करने के बदले में इन्हें लगभग 200 रुपए मिलते हैं और ये काम भी उन्हें रेगुलर नहीं मिल पाता। इस आमदनी से इनका इतना पर्याप्त इनकम नहीं हो पाता, ये जो काम करते हैं उससे इनका पर्याप्त इनकम नहीं हो पाता कि ये 2 टाइम का भोजन भी सही तरीके से प्राप्त कर सके। यही कारण है कि परिवार की जो महिलाएं हैं वो भी उनको सहयोग करती हैं और आसपास के फील्ड से फायरवुड कलेक्ट करती हैं, साथ ही साथ खेत में जो छोटे मोटे काम होते हैं जैसे चॉपिंग पाउडर जैसे काम होते हैं, चारा वगैरह काटने का काम जो होता है वो भी करती हैं ताकि कुछ सप्लीमेंट इनकम हो सके। परिवार की इनकम इतनी कम रही जिसके कारण इन्हें पर्याप्त हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिल पाती, यही कारण है कि 2 साल पहले इनके फादर की ट्यूबरक्लोसिस डिजीज के कारण टीबी डिजीज के कारण इनकी मृत्यु हो गई और इनकी माताजी भी इसी बीमारी से गुजर रही हैं और वो भी मौत के कगार पे खड़ी है। ना तो इनके पास सफिशियंट इनकम है कि वो उनका इलाज करा पाए और ना तो इनके पास मेडिकेशन की दूसरी फैसिलिटी है, इसलिए मदर भी इनकी मरने की कगार। बच्चों, इन पिक्चर्स को देखने के बाद और इन दोनों केस स्टडी को देखने के बाद मुझे लगता है पॉवर्टी क्या है इसकी जो ड्राफ्टिंग है इसका एक इमेजिनेशन आपके माइंड में जरूर चल रहा होगा और निश्चित रूप से आप इस स्थिति में होंगे कि पॉवर्टी क्या है उसको आप डिफाइन कर सकते। सो लेट्स सी व्हाट इज पॉवर्टी। पॉवर्टी इज ए कंडीशन इन विच पीपल डोंट हैव इनफ मनी to meet basic needs such as food, clothes, shelter, etc. यानी व्यक्ति जो भी काम कर उस काम से उसे पर्याप्त आमदनी नहीं मिल पाती and is not able to get basic needs, भोजन, कपड़े और मकान जैसी जो बुनियादी जरूरतें हैं उसे भी वो पूरा नहीं कर पाती। Poverty को lack of clean water और लैक ऑफ सैनिटेशन फैसिलिटीज के रूप में भी देखा जाता है। जो पुअर पीपल होते हैं दे आर इल ट्रीटेड ऑलमोस्ट एवरी प्लेस दे आर इल ट्रीटेड, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता। और ये सारा कार्य ये क्यों होता है? बिकॉज पुअर पीपल डोंट हैव अ रेगुलर जॉब टू फुलफिल द मिनिमम डिसेंटली, ये काम जो करते हैं ये काम उन्हें रेगुलरली नहीं मिल पाता।
कुछ दिन ऐसे हो जाते हैं जब इनके पास कोई काम नहीं रहता और इसीलिए जो इनका मिनिमम डिसेंट लेवल है वो फुलफिल नहीं हो पाता। ये पॉवर्टी की कैरेक्टरिस्टिक। नाउ इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी, यही कारण है कि दुनिया भर में जो सोशल साइंटिस्ट हैं उन्होंने पॉवर्टी के डेफिनेशन को केवल इनकम के दायरे में रखने से बचने की कोशिश की। सोशल साइंटिस्ट ने पॉवर्टी की पहचान, पॉवर्टी के इंडिकेशन कुछ और सोशल इंडिकेटर्स के साथ करने की कोशिश की है। जैसे पॉवर्टी के में उन्होंने लिटरेसी लेवल को भी जोड़ा है, लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज, लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग एंड सैनिटेशन, इन सभी इश्यूज को भी उन्होंने पॉवर्टी के साथ जोड़ा है। और उनका जो ये एनालिसिस है पॉवर्टी का, दिस इज बेस्ड ऑन टू प्राइम इंडिकेटर्स, वन इज सोशल एक्सक्लूजन एंड सेकेंड इज वल्नरेबिलिटी। और मॉडर्न डेज दीज टू इंडिकेटर्स आर बिकमिंग वेरी कॉमन। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड बोथ टू टर्म्स, सोशल एक्सक्लूजन को भी समझने की कोशिश करते हैं और वल्नरेबिलिटी को भी समझने की कोशिश करते हैं। सोशल एक्सक्लूजन, according to this concept, poverty must be seen in terms of the poor having to live only in a poor surrounding with other poor people. बच्चों, आप देखते होंगे आपके आसपास के जो निर्धन लोग हैं, मोटे तौर पे प्रायः ऐसे लोग, जितने भी जो पुअर लोग होते हैं वो शहर से बाहर झुग्गी बस्तियों में सब एक साथ रहते हैं। रेयर ही कोई पुअर पीपुल है जो मेन स्कर्ट्स ऑफ द सिटी में आपको रहता हुआ नजर आएगा। इसी को सोशल एक्सक्लूजन कहते हैं। ऐसे गरीब लोग मजबूर हैं, विवश हैं दूसरे लोगों से अलग रहने के लिए। दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम एंजॉयिंग सोशल इक्वालिटी ऑफ बेटर ऑफ पीपल इन बेटर सराउंडिंग। जो अच्छे परिस्थितियों में लोग जो रह रहे हैं उनसे अलग रहने के लिए ये मजबूर है। नाउ कम टू द सेकेंड टर्म, वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी इज अ कंडीशन या एज अ मेजरमेंट विच डिस्क्राइब द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज और इंडिविजुअल बिकमिंग और रिमेनिंग पुअर इन द कमिंग ईयर्स। यानी ये एक ऐसी दशा है जिसमें कुछ एक समुदाय के लोग या कुछ एक इंडिविजुअल जो है अभी तो निर्धन है ही, अभी तो पुअर है ही, लेकिन इनकी स्थिति कुछ ऐसी है कि आने वाले वर्षों में भी इनकी स्थितियों में बदलाव आने की संभावना बहुत कम है। दैट मीन्स दे कुड नॉट, दे आर नॉट एबल टू कोप विद द कंडीशन सो दैट दे कैन मैनेज देयर लाइफ बेटर, उनकी स्थिति में सुधार आए, पॉवर्टी रिड्यूस कर पाए, ऐसे आने वाले समय में भी प्रतीत होता हुआ नहीं दिखता। ऐसे कुछ कम्युनिटीज हैं, ओबीसीज के कुछ मेंबर्स हैं, एसटीएससी कम्युनिटी के कुछ मेंबर्स हैं, कुछ इंडिविजुअल्स भी आते हैं इनमें, जैसे एक विडो होती है, चाहे वो फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन हैं। ये कुछ कम्युनिटीज और इंडिविजुअल हैं जिनके साथ परिस्थितियां इतनी गंभीर है, सीरियस चैलेंज है कि आने वाले वर्षों में भी इनकी स्थिति में बदलाव आने की संभावना कम दिखती है। That's why these two prime indicators, social inclusion and vulnerability, now becoming very popular, very common to indicate the poverty. आइए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। पॉवर्टी लाइन। सो टू डिसाइड पॉवर्टी इज ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क फॉर एनी गवर्नमेंट। बच्चों ये बहुत ही रोचक बात है। देखिए हम किस व्यक्ति को गरीब कहें, हम गरीबी का निर्धारण कैसे करेंगे किसी भी सरकार के लिए, ये बहुत ही सीरियस चैलेंज है और इस विषय को लेकर अक्सर विवाद होता है। कई बार राजनीतिक दलों में के बीच में, डिफरेंट गवर्नमेंट्स के बीच में पॉवर्टी लाइन को डिसाइड करने को लेकर अक्सर बहस होती भी दिखती है। वो बहस क्या है,
कि आखिर बेसिक नीड क्या है और बेसिक नीड को सेटिस्फाई करने के लिए क्या इनकम होना चाहिए अलग अलग परिस्थितियों में या अलग अलग देशों में, ये एक गंभीर क्वेश्चन बना रहता है। जब हम बात करें इंडिया की, इन इंडिया द कॉमन मेथड यूज टू मेजर पॉवर्टी इज बेस्ड ऑन द इनकम और फाइनेंशियल लेवल। भारत में पॉवर्टी को मेजर करने के लिए जो कॉमन मेथड है वो इनकम और कंजम्पशन लेवल पे आता है। इनकम लेवल की जब हम बात करें, ए पर्सन इज कंसीडर्ड पुअर इफ हिज और हर इनकम लेवल और कंजम्पशन लेवल फॉल्स बिलो ए गिवन मिनिमम लेवल नेसेसरी टू फुलफिल बेसिक नीड्स। जब इनकम लेवल की बात करें तो किसी व्यक्ति का इनकम एक उसका एक लेवल बना दिया गया है, उस लेवल से नीचे जो भी व्यक्ति इनकम करेगा तो ये मान के चला जाता है कि इससे वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर सकता एंड ही विल बी कंसीडर्ड बिलो पॉवर्टी लाइन। और हम इस आधार को पहले न माने तो इन इंडिया मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज रुपीज 972 इन रूरल एरिया एंड रुपीज 1407 इन अर्बन एरिया। अगर इस आधार पे बात करें, ये 2022 की रिपोर्ट है कि 972 रूरल एरियाज के लिए माना जाता है बिलो पॉवर्टी लाइन, अर्बन एरियाज के लिए 1407। नाउ द प्रेजेंट फॉर्मूला फॉर फूड रिक्वायरमेंट, जब कंजम्पशन की बात करें तो कंजम्पशन का जो फॉर्मूला है इट इज बेस्ड ऑन द डिजायर्ड कैलोरी लेवल। कंजम्पशन का जो लेवल है कैलोरी की रिक्वायरमेंट पर आधारित है और द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इन इंडिया इज 2400 कैलोरीज पर पर्सन इन रूरल एरिया एंड 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन अर्बन एरिया। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल एरियाज में जो कंजम्पशन लेवल माना जाता है कि एक व्यक्ति को अगर 2400 कैलोरीज पर डे अगर फुलफिल हो जाता है देन दैट पर्सन विल अबव द पॉवर्टी लाइन, वो पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं रहेगा। इसी तरह शहरी व्यक्तियों को जो भोजन मिलता है उससे अगर 2100 कैलोरीज उसे मिल जाती है तो वो भी गरीब नहीं माना जाए। और बच्चों इस आधार पे ऑलमोस्ट एवरी पर्सन इन इंडिया इज पुअर ऑन दिस फॉर्मूला। ऑलमोस्ट 35 करोड़ पीपल इन इंडिया इज स्टिल अंडर द बिलो पॉवर्टी लाइन एंड इट इज अनफॉर्चुनेट दैट द लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ पुअर। देखिए चूंकि भारत सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री है और इसीलिए पिछले कुछ वर्षों में भारत में गरीबी की रेट में लगातार गिरावट आई है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से चूंकि हम आबादी के दृष्टिकोण से भारत जो है दुनिया का दूसरा बड़ा देश है और लगभग हम पहले बड़े देश के रूप में अग्रसर हो रहे हैं, इसलिए अगर एब्सोल्यूट नंबर की बात करें तो भारत निर्धनता के मामले में अगर नंबर की बात करें तो भारत पहले स्थान पे है गरीबी के मामले में। अब बच्चों यहाँ पे आप कुछ पॉइंट देख सकते हैं, एक क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि why 2400 calories are required in the rural area and 2100 calories are required for the people in urban area। बच्चों आप देख सकते हैं, आप जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों का जो मुख्य सोर्स ऑफ इनकम होता है दैट इज एग्रीकल्चर, दैट्स व्हाई दे हैव टू गिव मोर एफर्ट्स, उन्हें ज्यादा फिजिकल वर्क करना पड़ता है कंपेयर टू द पीपल लिविंग इन द अर्बन एरिया। और जो व्यक्ति ज्यादा मेहनत करता है उसे एनर्जी के रूप में ज्यादा कैलोरी चाहिए होती है, इसलिए 2400 कैलोरी पर पर्सन रिक्वायर्ड होता है रूरल एरियाज में, शहरों में केवल 2100 कैलोरीज की आवश्यकता होती है। ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको आ सकता है कि सर आपने पिछले स्लाइड में बताया था कि दुनिया भर में जो बीपीएल है बिलो पॉवर्टी लाइन है वो अलग अलग होती है अलग अलग परिस्थितियों में। बिल्कुल बच्चों सही है, भारत जैसे देश में जो अभी भी विकसित होने की राह पे हैं, जो अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाए हैं, इन देशों में अभी भी गरीबी की परिभाषा बेसिकली कैलोरी लेवल पे आधारित है, अभी भी जो बेसिक नीड है उस पर आधारित है।
रोटी कपड़ा और मकान पर आ रहा है। तो यहाँ पे जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उसका निर्धारण इन्हीं मिनिमम जो नेसेसिटीज है उस पे बेस्ड होगी। एंड इफ वी कंपेयर दिस डाटा विद द यूएसए, यूएसए जैसे देशों में जो विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं वहां पॉवर्टी लाइन का निर्धारण इस आधार पे होता है कि द पर्सन हु इज नॉट हैविंग द फोर व्हीलर्स, वहां जिस व्यक्ति के पास चार पहिया नहीं होता, कार नहीं होती, उसे गरीबी रेखा में माना जाता है जी। तो आप देख सकते हैं कि पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन भी अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से होता है। जी सर, हमारे पास और समय नहीं है इस बातचीत को आगे बढ़ाने का, पर जैसा कि आपने बताया है पॉवर्टी पार्ट वन आज हम डिस्कस कर रहे हैं, तो पॉवर्टी पार्ट टू लेकर बहुत जल्द हम फिर से हाजिर होंगे। सर आज की डेफिनेशन पॉवर्टी की बताने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हमें, वो भी दिल को छू जाने वाले थे, और आपने बहुत कुछ बताया आज के इस प्रोग्राम में पॉवर्टी से जुड़ा हुआ, जो कि बच्चों को सीखना है, समझना है, और आगे फिर से इसे कंटिन्यू करेंगे बहुत जल्द। थैंक यू सो मच सर आज के लिए। जी मैम धन्यवाद। धन्यवाद, बच्चों बहुत जल्द मिलते हैं और ये बहुत सारे एस्पेक्ट इस चैप्टर के बाकी हैं, निश्चित रूप से आपके सभी डाउट्स को दूर करने की कोशिश करूंगा अगले सेशन में। बिल्कुल बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। जी सर ने जैसा कहा कि बहुत जल्द मिलते हैं, तो हम भी देखेंगे कि बहुत जल्द ये प्रोग्राम लेके फिर से सर हाजिर हों, पॉवर्टी पार्ट टू, एंड वील बी डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड। सो थैंक यू टू ऑल द स्टूडेंट्स आल्सो फॉर वाचिंग दिस प्रोग्राम। आर अपकमिंग नेक्स्ट प्रोग्राम इज आर सीरीज ऑन साइबर जागरूकता दिवस, एंड वील बी डिस्कसिंग फिशिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स। सो कीप योर क्वेश्चंस रेडी एंड सेंड इट थ्रू आर यूट्यूब चैनल विच इज NCERT ऑफिशियल। वी रैपिंग अप दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। थैंक यू, take care of yourself, and yes, we are extremely proud that India assumed G20 presidency and will convene the G20 leaders summit for the first time in this country this year. A nation deeply committed to democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play an important role by finding pragmatic global solutions for the well-being of all, and in doing so manifest its true spirit of Vasudev Kutumbakam, or the world is one family. Thank you so much ek bar phir se, apna dhyan rakhiyega, namaskar.